Curitiba. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल वाला बटन दबाइए और साथ में बेल के आइकन को इनेबल कर दीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका सोचो जानवरों में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की एक न्यू अपडेट के साथ फिर हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 6 मार्च 2018 से रियाद, जद्दा, दम्माम ट्रैफिक के दौरान गलत काम करने वालों के लिए नए कैमरे लगा दिए गए हैं, जिससे अगर आप कुछ भी गलत करते हैं ड्राइव करने के दौरान तो आपकी फ़ोटो निकाल ली जाएगी, जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बता रखा है। अगर आप गाड़ी चलाते टाइम बेल्ट न लगाए हुए या मोबाइल यूज करते हुए आपकी फ़ोटो निकल जाती है तो आप पर जुर्माना होगा। बेल्ट ना लगाने पर तो पहले भी जुर्माना था, लेकिन अगर आप मरूर के हाथ पकड़े जाते थे तो आप पर जुर्माना होता था। लेकिन अब ये जो नए कैमरे लगाए गए हैं वो आपकी फ़ोटो निकाल लेंगी। दोस्तों, मरूर ने यह भी कहा है कि सिगरेट पीने पर और बच्चे को आगे बैठाने पर भी जुर्माना होगा। 10 साल से छोटा बच्चा अगर माँ के साथ आगे बैठता है और गाड़ी आप उस जगह से ले जाते हैं जहां पर यह सब सिस्टम है तो आपकी फ़ोटो निकाल ली जाएगी और फिर आप पर जुर्माना होगा। यह जुर्माना 150 रियाल से लेकर 300 रियाल तक होगा। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट की गाड़ी पर तो पहले ही जुर्माना है, लेकिन अब जो गाड़ी आपकी है, आप पहले सिगरेट पीते थे पर अब उस पर रोक लगा दिया गया है। किसी भी ड्राइवर का फ़ोटो निकल गया ड्राइव के दौरान तो उस पर 150 रियाल से लेकर 300 रियाल तक जुर्माना होगा। दोस्तों, अगर आप ड्राइविंग के दौरान कोई भी ऐसा काम करते हो जिससे आपका ध्यान गाड़ी से हटे तो वो भी जुर्म होगा, जिसका आपको जुर्माना देना होगा। तो दोस्तों, आप गाड़ी चलाते समय ऐसा कुछ ना करें जिससे आप पर कोई भी जुर्माना हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मेरे नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक रखिए अपना ख्याल। ओके, खुदा हाफिज़।